आप इस बात से अनजान नहीं होंगे कि अक्सर प्राइवेट पार्ट गहरे रंग के होते हैं। भले ही आपका पूरा शरीर गोरा हो, लेकिन आपके प्राइवेट पार्ट्स इससे कहीं अलग होते हैं। आप भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स ही नहीं, उस जगह के आसपास का हिस्सा भी गहरे रंग का होता है, जो आपकी बॉडी से मैच नहीं करता। प्राइवेट पार्ट्स के आसपास के हिस्से जैसे इनर थाइस और बट्स का रंग भी गहरे शेड का होता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा, प्राइवेट पार्ट के डार्क होने के क्या कारण हो सकते हैं और उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, महिला और पुरुष का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, जो शरीर के अन्य हिस्सों के मुकाबले काला दिखाई देता है। ये एक आम समस्या है जिसमें प्राइवेट पार्ट और इसके आसपास के हिस्से का रंग गहरा या काला हो जाता है। इस प्रकार की समस्या के दौरान बहुत से लोग रासायनिक उत्पादों का उपयोग भी करते हैं, जो प्राइवेट पार्ट को गोरा बनाने की बजाय इसे और काला कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल अक्सर शरीर के इस हिस्से का रंग अन्य अंगों के मुकाबले गहरा होता है। इसके बावजूद और भी कई कारण होते हैं जिनसे वजाइना और उसके आसपास के एरिया में कालापन आ जाता है। इसमें बाल हटाने वाली क्रीम, तंग कपड़े, त्वचा संक्रमण, विटामिन की कमी और मोटापा आदि कारण शामिल हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन कारणों से होने वाले कालेपन को दूर करने के उपाय। सिट्रिक एसिड और विटामिन सी की अच्छी मात्रा नींबू में होती है। नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, इसलिए नींबू का रस योनि और इसके आसपास के क्षेत्रों का कालापन दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा आप नींबू के रस के साथ शीशम और ग्लिसरीन का उपयोग भी कर सकते हैं और उससे आपकी त्वचा भी मुलायम हो सकती है। योनि का कालापन दूर करने के लिए आपको आधा नींबू, एक बड़ा चम्मच गुलाब जल और एक बड़ा चम्मच ग्लिसरीन की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग करने के लिए एक कटोरी में गुलाब जल और ग्लिसरीन को मिलाएं। अब इस मिश्रण में आधे नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को रुई की सहायता से प्रभावित क्षेत्र में लगाएं, जहां का कालापन दूर करना है। लगाने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें। इसके अलावा संतरे में भी विटामिन सी की उच्च मात्रा होती है, जो हाइपरपिगमेंटेशन के उपचार में मदद करती है। दूध और शहद के साथ ऑरेंज जूस का इस्तेमाल योनि का कालापन दूर करने के लिए किया जा सकता है। ये त्वचा के कालेपन को दूर करने में सहायक होता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए जो आपकी त्वचा की टोन को हल्का करने में मदद करता है। और इसके अलावा दूध मृत त्वचा कोशिकाओं को भी दूर करने में सहायक होता है। योनि का कालापन दूर करने के लिए आपको 2 चम्मच संतरे का जूस, 1 बड़ा चम्मच दूध, 1 बड़ा चम्मच शहद आदि की आवश्यकता होगी। एक कटोरी में संतरे का रस और दूध मिलाएं, फिर इसमें शहद को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र में लगाएं और लगभग 5 से 10 मिनट तक मालिश करें। मालिश करने के 10 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लें। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप इसे दिन में 2 बार उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।